हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ संजना। आज लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही अमेजिंग फेस पैक। तो आपको घर पे बहुत अच्छा सा अमेजिंग सा फेस पैक अगर बनाने के लिए मिल जाए और आपकी स्किन ब्राइट एंड बहुत अच्छी सी एक टोन फेयर अगर आपको महसूस हो, तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे ना तो ज़रूर देखना। और मैं ये फेस पैक कैसे बनाने वाली हूँ आप लोग को बता रही हूँ। मैं इसमें क्या क्या डालूंगी, जो मैं डालूंगी आप लोग को बताती जाऊंगी। और आपको 15 मिनट लगा के रखना। 15 मिनट बाद अगर आप कहीं पार्टी में जा रहे हो, कहीं आपको मेकअप करके फटाफट जाना, और मेकअप भी बहुत अच्छा लगना चाहिए, तो इसके बाद आप फटाफट मेकअप भी कर सकते हो। मतलब अराउंड 10-15-20 मिनट बाद करिएगा। ये नहीं कि इमेजिएटली आपने मेकअप लगा लिया तो ऐसे मत करिएगा। मैंने अभी मेकअप किया था, उसके बाद मैंने जो है ना मेकअप रिमूव कर दिया है, उसके बाद चलो फेस पैक लगाते हैं फटाफट, क्योंकि स्किन को थोड़ा सा रिपेयर होने का भी टाइम देना चाहिए। ज़्यादा बातें नहीं करते और सारी बातें आगे करेंगे, चलो फटाफट करते हैं ना। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये है ब्रून की कॉफ़ी है। ये आई थिंक 2 रुपीज़ की बहुत आराम से मिल जाती है, तो आपको ये ले लेना। तो इसको आपको एक बाउल में डाल लेना है, उसके बाद लेना है आपको मतलब कॉफ़ी को अच्छे से बाउल में डाल लेना है। एक्चुअली मैंने ये पूरी कॉफ़ी देख लीजिए डाल दिया है इसमें अच्छे से। उसके बाद आपको इसमें थोड़ी सी डालनी है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपकी स्किन को फेयर करती है एंड लोगों को इसके बाद लेना है ग्लिसरीन, और ग्लिसरीन बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है, जैसे कि मैंने ये देखिए थोड़ी सी ही डाली है। 4 ड्रॉप डालिए, इससे ज़्यादा मत डालिए। एक तो आपकी स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, उसके बाद आपकी स्किन को फेयर करती है। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये डाबर की हनी, और बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, एक स्पून लेना है स्पून में से, क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं। तो आपको ये देखिए मैंने 1 चम्मच ही डाला है, ये मैंने 2 चम्मच ले लिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है सबसे पहले। चलो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। इसके बाद पूरे फेस पे अप्लाई कर देना है मिक्स करने के बाद। ये 3 चीज़ें आपके फेस पे ऐसा कमाल का ग्लो लाएंगे आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। चलो इसको लगा लेती हूँ मैं। विंटर में जो है कि मतलब जो मैंने इसमें शहद डाला है वो आपकी स्किन अगर ड्राई है तो बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देगी आपकी स्किन को, बहुत अच्छा सा मॉइस्चर देता है। और ग्लिसरीन हमें सर्दियों में अपनी स्किन में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, चाहे नाइक में चाहे डे में। वैसे नाइक में अप्लाई करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसको मैंने कर लिया है अप्लाई, और देख लीजिए बहुत थिक फॉर्म में है और बहुत अच्छे से अप्लाई हो चुका है। चलो मैं 15 मिनट बाद आप लोग को इस मिलती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। तो 15 मिनट हो चुके हैं एक्चुअली, तो इसको चलो हम थोड़ा सा स्क्रब कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं रोज़ वाटर स्प्रे करूँगी इसको, उसके बाद अच्छे से इसको यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना, जैसे हमारे ब्लैक हैक्स व्हाइट हैक्स होते हैं तो वो भी इसके थ्रू निकल जाते हैं और हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, ग्लोई हो जाती है। तो चलो इसको फटाफट कर लेते हैं। बहुत जेंटली करना है आप लोग को, बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है। देख लीजिए इसको वॉश करके आती हूँ फटाफट। मैंने इसे वॉश कर लिया है, आप मेरे फेस पे रिजल्ट इसका देख सकते हैं। और ये आईज इसलिए ब्लैक लग रही क्योंकि मैंने मेकअप किया था और इस पे मैंने कोई भी वो नहीं लगाया। तो ऐसे ही आप लोग कर सकते हो। इसके बाद कोई अच्छा सा टोनर और मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करिएगा। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे। चलो बाय बाय, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ।